हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज विश्वकर्मा पूजा है और इसके साथ साथ एक कर्मा पूजा भी है जो असम वगैरह में, असम उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में ज़्यादातर सेलिब्रेट किया जाता है। ज़्यादातर असम में सेलिब्रेट किया जाता है कर्मा पूजा, और ये विश्वकर्मा पूजा जो यहाँ पे मतलब पूरा देश में जो है सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है। तो आज के दिन जो है यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं पूजा वगैरह करने। खजूरी में एक ब्रह्म विवाह है, मंदिर वगैरह है, वहाँ पे चलेंगे और पूरा का पूरा सीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल आप देख रहे हैं वीडियो में यहाँ पे घर पे पूजा वगैरह हो रहा है ट्रैक्टर वगैरह का। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद जो है यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाइक से, उसके बाद वहाँ पे हम लोग जो है पूजा वगैरह करेंगे। पूरा का पूरा सीन वहाँ का मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सारा मतलब तीन चार मंदिर वहाँ पे है, तो पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप जो है अंत तक बने रहेगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो जैसे यहाँ पे पूजा समाप्त होता है उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है ट्रैक्टर देख सकते हैं, यहाँ पे माला वगैरह हम लोग जो है लगा दिए हैं, काफ़ी सही लग रहा है माला जो है लगाने के बाद। और यहाँ पे पूजा समाप्त होने के बाद एक दो फोटो हम लोग जो है क्लिक किए हैं। चलिए मैं आपको जो है जो फोटो मैंने क्लिक किया हूँ वो दिखा देना चाहूँगा। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे तीन चार फोटो है, इसे आप देखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं बाइक से डायरेक्ट। तो फोटो देख लिया, अब देखिए हम लोग जो है बाइक से चल दिए हैं। यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे बोल नहीं रहे थे क्योंकि बाइक का साउंड होता है जिसकी वजह से मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम लोग जो है लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में, गढ़वा में है, और लोकेशन इसका खजूरी है, खजूरी लगमा। उसका जो है मतलब लोकेशन मैं पिन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर पाएंगे लोकेशन को। तो चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा सीन दिखाता हूँ। पार्टी फंक्शन होगा तो मार हैंडल चालू कर दीजिए। अब लाइनें सुधर जाए ग्रेट राजू डीजे साउंड के बोल कर सीधे विश्वकर्मा पूजा इन खजरी। तो आप लोग देख सकते हैं लगातार हम लोग जो है बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अब जो है फिलहाल ही कुछ ही समय में हम लोग जो है वहां पे पहुंचने वाले हैं, मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। तो वहां पे पहुंचने के बाद मैं आपको पूरा का पूरा सीन दिखाने वाला हूं। तो हम लोग जो है लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं पूरा। आप जो है देखिए, अभी मैं वीडियो को स्टॉप नहीं करूँगा जब तक जो है हम लोग मंदिर के पास नहीं पहुँचेंगे, तब तक का सीन मैं आपको जो है दिखाते रहूँगा पूरा का पूरा। आप जो है देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। तो फाइनली हम लोग जो है लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, रोड को करते हैं यहीं से क्रॉस। तो देख सकते हैं मंदिर वगैरह सारा यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और आगे चलिए, आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूरा का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट जो है वहाँ पे चलते हैं फील्ड में सामने। तो अभी मतलब यहाँ पर ज़्यादा उतना भीड़ नहीं है, तो देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है यहाँ पर लोकेशन पर फाइनली पहुँच चुके हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद में फ़ोटो वगैरह जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है घर की ओर बढ़ेंगे। तो अभी तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे ही हैं, चलिए मैं आपको पूरा का पूरा सीन यहाँ का जो है दिखाता हूँ।
दोस्तों। हाँ अरे भाई, अरे कहला टेंशन ले रहे हैं, सब रुपया प्लास्टिक है, इसको रखिए करे में हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। पहले तो मुझे तुम्हारे नाम मानते हैं, नाम करते हैं, मानते हैं, तुम बताने के लिए तुम क्या करना चाहते हो?
सो नाउ वी आर गोइंग एन शिव मंदिर। नो go now come this side तो फाइनली हम लोग जो है शिव मंदिर में पूजा वगैरह कर लिए हैं। अब चलते हैं हनुमान मंदिर में, वहाँ का सीन मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा। लेट्स गो देयर। नाउ वी आर गोइंग इन हनुमान मंदिर।
सो फाइनली वी हैव डन वर्शिप, सी द मंदिर व्यू। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पूजा वगैरह कर लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं घर की ओर। और रास्ता में पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगा, तो आते समय तो मैं नज़ारा आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि बाइक से आ रहे थे हम लोग। तो चलते हैं आगे, पूरा व्यू मैंने आपको यहाँ का दिखा दिया। शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, ब्रह्म बाबा को मैंने पूरा आपको दिखा दिया। चलते हैं अब घर की ओर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज विश्वकर्मा पूजा है, इसी लिए हम लोग जो है यहाँ पे पूजा करने आए थे। ब्रह्म बाबा के पास लगमा में है, गढ़वा लगमा में है स्थित। इसका लोकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे पूरा का पूरा। और अभी हम लोग चलते हैं, और आगे जो है रास्ता में विश्वकर्मा पूजा भी रखा गया है, तो वहाँ पर पूरा मैं व्यू आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में आप जो है लास्ट तक बने रहिए। इधर रास्ता भी ख़राब है, मैं आपको कुछ रास्ता दिखा देना चाहूँगा किस टाइप के रास्ता है इधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का रास्ता से हम लोग गुजर रहे हैं, यह देखिए। रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है, बारिश वगैरह आ गई थी इसके वजह से, तो हम लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको व्यू पूरा दिखाऊंगा, मैं यहाँ से दिखाता चाहूँगा व्यू। विश्वकर्मा पूजा वहाँ पे रखा गया है, तो वहाँ पे चल के मैं आपको पूरा का पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ। चलिए वहीं पर चल के डायरेक्ट और पूरा का पूरा दिखाता हूँ मैं व्यू आपको। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, और जैसे कि आपको पता है आज विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ एक और पूजा है कर्मा पूजा, जो मतलब सेलिब्रेट किया जाता है इवनिंग टाइम में। तो कर्मा पूजा भी मतलब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, ज़्यादातर असम हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, तो ज़्यादातर जो है असम में जो है कर्मा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी सही मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। आप चाहे तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी सेलिब्रेट मतलब सही से किया जाता है असम में और बिहार, झारखंड हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो आज के दिन विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ जो है कर्मा पूजा भी है। तो अब हम लोग जो है पहुँच चुके हैं यहाँ पर, तो चलते हैं ऊपर, उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ विश्वकर्मा पूजा यहाँ पर रखाया गया है। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग को चलना है, विश्वकर्मा पूजा यहाँ पे रखा गया है। और ये लोकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, खजरी में है, गढ़वा लगमा खजरी। तो चलते हैं ऊपर, पूरा का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, टॉप पे है। व्हाट दे आर लुकिंग एट अस, ओम सर्वतीर्थं समाजुक्तं स्वर्णे च याच्माभ्यां मयादन्तं अस्थापितं सुरभुजितं जलं शमरव्यामहे। लौंग लाची लौणंगर पुरुष पंक पतय ओम लौणंगर पुरुष संयुक्तम तांबुल सुरपूजितम प्रियानां त्वा गृहां देवा तांबुलम प्रतिगतांबल तांबुलम शमरेप्यामहे। यानि गानि जाबावानि जन्माक्षितानि तानि निश्यन्तो प्रतीक्षाया पदे पदे हे पैसा ओम महा बोल हा जाओ के बदिया खाओ। तो फाइनली हम मुझे दिखा दिए। तो जैसे कि मैंने आपको सारा सीन दिखा दिया, तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं डायरेक्टली घर पे। तो यार फाइनली हम लोग जो है बनखेता में आ चुके हैं, और ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे, कुछ ही समय में हम लोग घर पे पहुँच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ।